नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ साइंसेस, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट लाइन के बारे में पढ़ा, पोलर इक्वेशन के बारे में पढ़ा। अब हम उसी के आगे एनालिटिकल ज्योमेट्री में यूनिट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके बेसिक बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग कहाँ शुरू हुआ, ज्योमेट्री शुरू कहाँ से, थोड़ा सा ब्रीफ देंगे हम। इन दिस यूनिट आवर एम इज टू रिक्वेंट विद द ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। द फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन रेने डेकार्टेस वाज द फर्स्ट टू रियलाइज दैट ज्योमेट्रिकल आइडियाज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अलजेब्रिक रिलेशन। रेने डेकार्टेस ने महसूस किया कि उस आइडियाज को, जो ट्रेसिंग ऑफ कर्व है ज्योमेट्री को, हम उसे अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड प्लेन ज्योमेट्री कैन बी नोन एज कार्टेशियन ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री। द बेसिक नेसेसिटी फॉर दिस स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दस द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टू डिफाइन कोऑर्डिनेट्स इन द कंसर्न स्पेस। अब यूनिट टू में ही टॉपिक शुरू है ये, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं आपको, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, द कर्व, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कर्व ट्रेसिंग क्या क्या समान हो सकती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, पैराबोला हो सकते हैं, हाइपरबोला हो सकते हैं, सर्किल हो सकते हैं, इलिप्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना बनती है, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये सभी संभावनाएं होती हैं कर्व ट्रेसिंग में। यानी कि टोटल संभावना कितनी है, वन स्ट्रेट लाइन, टू सर्किल, थ्री पैराबोला, फोर इलिप्स एंड फिफ्थ हाइपरबोला। ये ट्रेसिंग पांच तरह के होंगे, विच अंडर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉनिक सेक्शन। ये कॉनिक सेक्शन अंतर्गत आएंगे। इट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट दीज कर्व्स वेयर फर्स्ट ऑप्टेन बाई कटिंग अ कॉनिक इन वेरियस वेज। ये कैसे मिलेंगे कि कॉनिक को डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करने में मिलेंगे। द कॉनिक इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस इन ए कॉन्स्टेंट रेशियो टू रिप्रेजेंट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स, जिसे डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी एंड इज डिनोटेड बाई ई। जो कांस्टेंट रेशियो है इसको डिनोट करते हैं ई से। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन। वी रिमूव द टर्म ऑफ एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशन वन, देन वी हैव द फॉलोइंग केसेस। हम इक्वेशन वन से एक्स वाई को रिमूव करेंगे तो मुझे रिमूव करने पे फॉलोइंग केस अराइज होंगे। केस वन, व्हेन ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो। केस वन क्या बोलता है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, द गिवन इक्वेशन वन इज कैन बी रिटन एज। जो पहला फॉर्म था a के साथ कांस्टेंट, b के साथ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कि a और b ले लिया मैंने। जो पूरा इक्वेशन था आपका ax स्क्वायर प्लस बी ए वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस एफ ए वाई, जो इक्वेशन आपका इक्वेशन वन में, जो आपके इक्वेशन थे इक्वेशन वन,
ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस टू वाई टू एफ वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स वाई जब रिमूव करेंगे इस वाले में से, तब जो मुझे फॉलोइंग केसेस मिलेंगे उनमें केस वन मैंने सपोज किया है नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, द इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए के कोएफिशिएंट बी के कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स अपान ए प्लस जी अपान ए होल स्क्वायर प्लस बी ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई वाई बाई बी प्लस एफ स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस जी ए स्क्वायर जी ए का होल स्क्वायर माइनस एफ बी का होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। या जब इसको साइड चेंज करते हैं, ये देखिए ये किसका है, ये पोर्शन एक्स प्लस जी ए का होल स्क्वायर है, ये जो पोर्शन आपका है ये एक्स प्लस जी अपान ए होल स्क्वायर की वैल्यू यहां पे दी गई है, उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में यहां लिख दिए हैं। उसी तरह से ये जो पोर्शन है ए प्लस बी को होल स्क्वायर रूप में लिखा गया है उसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं बी वाई प्लस एफ बार बी का होल स्क्वायर। ये जो टर्म बाकी बचे हैं उसको साइड चेंज किया, जी अपान ए होल स्क्वायर प्लस बी प्लस या पार्ट बी होल स्क्वायर माइनस सी। सपोज दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो पोर्शन है इसको मैंने कांस्टेंट सपोज कर लिया, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू जी माइनस ए, ओरिजिन मैंने शिफ्ट किया माइनस जी अपान ए कमा माइनस एफ अपान बी, देन दिस इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन ये जो मेरा कांस्टेंट टर्म है हमने उसको इस फॉर्म में ले लिया, इस फॉर्म में तो ये मेरा इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये पूरा एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, वो कांस्टेंट टर्म है। सपोज हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर टू। आगे बढ़ते हैं, उसी का फिगर देख लीजिए। अब इसका जो फिगर होगा किस तरह से होंगे आगे देखते हैं। ये पूरा कॉनिक सेक्शन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर क्या है क्यू वन क्यू टू क्यू फोर बी क्यू क्यू वन, ये सर्कुलर है। ये दूसरा जो इलिप्टिकल है वो जो पॉइंट है ए क्यू वन क्यू टू ए डैश क्यू फोर क्यू थ्री एंड ए, ये पोर्शन आपका इलिप्टिकल है और जो बीच वाला है सर्कुलर है, ये पॉइंट आपके दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा फिगर जब इसे चेंज करेंगे, ये सर्कुलर है इसको पॉइंट्स करते हुए हाइपरबोला मिक्स कर रहा है, यहाँ पर बोला मिक्स, ये हाइपरबोला पैराबोला हो सकता है, ये सर्कुलर है, ये इसके टेंजेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा फिगर है, इसको ट्रेस किया, ट्रेस करने वाले से मैंने चेक किया। अब आइए, अब वो केस हो गया जब इक्वेशन दो क्या होगा, इफ के इज इक्वल टू जीरो, केस वन तो चल रहा है उसमें इफ के इक्वल टू जीरो तब इक्वेशन टू जो होगा, जहां पे लिखा था आपने इक्वेशन नंबर टू क्या था आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के था, उसी इक्वेशन टू में अगर के की वैल्यू जीरो हो जाए तब क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दीज स्ट्रेट लाइन्स रियल इफ ए एंड बी ऑफ द अपोजिट साइन, एंड अगर ये रियल कब होंगे ए और बी अपोजिट साइन होंगी, अगर एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव है, ये अगर दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव है, अगर ऐसे होते हैं तो क्या होंगे वो रियल होंगे, और इफ ए एंड बी आर ऑफ द अपोजिट साइन ठीक, एंड बी जैसा इमेजिनरी इफ ए और बी जब सेम साइन के होंगे तो जो स्ट्रेट लाइन पेयर होगा वो इमेजिनरी होगा। फिर समझते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है अगर उसमें ए और बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, मीन्स अगर ए पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है या दूसरा पॉजिटिव है वो नेगेटिव है तो क्या होंगे रियल होंगे ठीक है। अब उसी केस में जब ए और बी दोनों सेम साइन के हों, आदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तब वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस इफ के इज नॉट इक्वल टू जीरो द इक्वेशन टू बिकम्स, वो नीचे आ गया
क्वेश्चन अब क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के था वहां पे, तो हमने वहां के लिया के नीचे कर दिया एक्स स्क्वायर अपाने, यहाँ पे ए था उसको बाई करके मैंने नीचे ला दिया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बाई ए प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के अपान बी इज इक्वल टू वन. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन. इफ के अपान ए एंड के अपान बी आर बोथ पॉजिटिव द इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट एलिप्स. अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स विथ सर्किल. कब होगा सर्किल, कब होंगे जब दोनों इक्वल हो जाए, के अपान ए और के अपान बी इक्वल हो जाएंगे तो रिप्रेजेंट करेगा सर्किल. और उसके पहले केस बोथ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव हो ए पॉजिटिव हो तो क्या पर रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स. दो केस हो गए, पहला एलिप्स का हो गया, दूसरा सर्किल हो गया. ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे पहले केस में, दूसरे केस में क्या रहेगा, दोनों सेम हो जाएंगे. सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा. दोनों पॉजिटिव होंगे तो एलिप्स हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगेन द इक्वेशन थ्री रिप्रेजेंट हाइपरबोला. अब इक्वेशन तीन जो थ्री है वो रिप्रेजेंट हाइपरबोला कब करेगा, के अपान ए के अपान बी दोनों क्या हो, अपोजिट साइन के हो. क्या मतलब, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो तो पहला नेगेटिव हो, दोनों क्या हो, अपोजिट साइन के हो, तब रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला. नेक्स्ट केस, इफ के अपान ए एंड के अपान बी बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव द इक्वेशन थ्री सेट टू रिप्रेजेंट इमेजिनरी एलिप्स. दोनों निगेटिव होंगे तो क्या होंगे, इमेजिनरी एलिप्स प्रेजेंट करेंगे. अब केस सेकेंड में चर्चा करते हैं. इफ वन ऑफ ए आर बी इज जीरो, दोनों में से ए चाहे बी जीरो होना चाहिए, भाई अदर इज नॉट जीरो, यानी दो में से एक जीरो हो, ए जीरो हो चाहे बी जीरो हो, या इफ वी टेक ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा जीरो हो, उसी को उलट भी सकते हैं. ये कह सकते हैं बी इज इक्वल टू जीरो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों कंडीशन सेम होंगे तब क्या मिलेगा हमको, ए इज इक्वल टू अगर हम सपोज जीरो करते हैं, बी नॉट इक्वल जीरो करते हैं, जो हमारा इक्वेशन नंबर वन था, इक्वेशन नंबर वन था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस वाई जी एस प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो हमारे इक्वेशन थे उसका पहला टर्म जीरो हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, क्यों, ए इज इक्वल टू आपका जीरो है. तब क्या मिलेगा हमको इक्वेशन, हमको मिलेगा बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा एक्स ये वाला पोर्शन जीरो हो गया है. ठीक है, जब जीरो हो गया तो हमें क्या मिला है, बी वाई स्क्वायर पहला टर्म जीरो प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या उसी को हम दूसरे फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में, वाई प्लस एफ अपॉन बी होल स्क्वायर. इसी को मैंने चेंज कर दिया जैसा कि मैंने पहले केस में किया था, वाई प्लस एफ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी प्लस एफ बी एफ बाई बी का होल स्क्वायर. ये आपका हो गया किसका, वाई प्लस एफ आर बी का होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली. आगे बढ़ते हैं. इफ जी इज इक्वल टू जीरो, हमने इसको इक्वेशन नंबर फोर मान लिया था. अब आगे बढ़ते हैं. इफ जी इज इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन फोर रिप्रेजेंट, देन इक्वेशन फोर रिप्रेजेंट्स टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन. अगर जी वाला पोर्शन जीरो, जी अगर वैल्यू जीरो हो जाती है, ये इक्वेशन हमारा फोर है, लास्ट पेज मैंने देखा था, लास्ट पेज आपका ये है, अगर ये जी जीरो होगा, ये जीरो हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा अगर आपको जीरो हो गया तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमको रिप्रेजेंट करेगा टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन. टू पैरेलल स्ट्रेट, दो लाइन पैरेलल होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे, विच आर कॉन्सिडेंट. वो कॉन्सिडेंट कब करेंगे, या फिर इसका माना बी सी आल्सो जीरो. कॉन्सिडेंट मीन्स दोनों पैरेलल लाइन एक ऊपर एक हो जाए. किस कंडीशन में, एफ स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो. आगे बढ़ते हैं.
इफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो द इक्वेशन फोर कैन बी रिटेन एज, जब जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो इक्वेशन फोर कैसे लिखेंगे, वाई प्लस एफ अपान बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी अपान बी ब्रैकेट एक्स प्लस सी अपान टू जी प्लस एफ स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी जी। शिफ्ट ओरिजिन को मैंने ये आपको इस फॉर्म में जाएगा कब, जब जी की वैल्यू जीरो ना हो। आगे बढ़ते हैं, शिफ्टिंग द ओरिजिन टू, शिफ्ट के लिए मैंने एफ स्क्वायर माइनस टू बी जी माइनस टू सी अपान टू जी एंड माइनस अपान बी, ये दो क्वारिट पर मैं शिफ्ट कर दिया। दिस इक्वेशन बिकम्स, क्या मिलेगा हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी अपान बी इन टू एक्स विच रिप्रेजेंट अ पैराबोला। जब उसमें से शिफ्ट किया तो मुझे क्या मिला, वो जो लाइन थी वो इक्वेशन था, हमें क्या मिला वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी अपान बी इन टू एक्स विच रिप्रेजेंट अ पैराबोला। नेक्स्ट, हेंस इन ईच केसेस द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट अ कोनिक सेक्शन, यानी कि ये जनरल डिग्री ऑफ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड डिग्री का है वो हर केस में क्या प्रेजेंट करेगा, वो कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में क्या क्या आएंगे, पैराबोला स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इसी में आएंगे। अब आप चर्चा करेंगे सेंटर की। सेंटर किसे कहते हैं, द सेंटर ऑफ ए कोनिक सेक्शन इज ए पॉइंट, यहां पे टी छूट गया है, द सेंटर ऑफ ए कोनिक सेक्शन इज ए पॉइंट विच बाइसेक्ट ऑल दोस चार्ट ऑफ द कोनिक दैट पासेस थ्रू इट, कोई ऐसा पॉइंट उस पॉइंट से सारे किसी सेक्शन का पॉइंट पास करे, कोई डॉट पॉइंट है वहां से किसी पॉइंट से उस बाउंड्री एरिया का या कोनिक से सारे पॉइंट वहां से पास करे तो उस पॉइंट बोलते हैं सेंटर। एग्जाम्पल तौर पर सपोज सर्किल है, सर्किल जहां जो सेंटर होता है उस सेंट्रल पॉइंट से जो बाउंड्री का जो लाइन होती है जितने भी आप क्रॉस करेंगे वो फोकस उस पॉइंट से पास करेंगे उसे कहते हैं सेंटर। आगे बढ़ते हैं, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विल रिप्रेजेंट अ कोनिक विद सेंटर एट ओरिजिन, विल रिप्रेजेंट अ कोनिक विद सेंटर एट ओरिजिन इफ एंड ओनली इफ, क्या मतलब, ये जो है कि कोनिक रिप्रेजेंट करेगा ओरिजिन पर सर्किल बनेगा विद सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर कहां हो ओरिजिन पे है, किस कंडीशन में, इफ एंड ओनली इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या मतलब जो एक्स से कोएफिशिएंट हो वो वाई कोएफिशिएंट हो दोनों वैल्यू जीरो हो, दैट इज वनली इफ एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जीरो, क्या मतलब जी और एफ दोनों जीरो हो, दोनों जीरो हो तो क्या मिलेगा हमको, वो जो सर्किल होगा कोनिक होगा सेंटर से पास करेगा, मींस जो ये जो पोर्शन होगा विल रिप्रेजेंट अ कोनिक विद सेंटर एट द ओरिजिन इफ एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ते हैं, दैट इज ओनली इफ द फर्स्ट डिग्री टर्म आर एब्सेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कोनिक, इफ द सेंटर ऑफ द कोनिक इज टू बी एट द ओरिजिन, इफ द सेंटर ऑफ कोनिक इज टू बी द एट द ओरिजिन देन फॉर ईच पॉइंट एक्स वन वाई वन ऑन द कोनिक द पॉइंट माइनस एक्स वन माइनस वाई वन मस्ट ऑल्सो लाई ऑन द कोनिक, यानी दोनों पॉइंट लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज ब्रैकेट एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाई ए माइनस एच स्क्वायर नेक्स्ट एच जी एच माइनस ए एफ डिवाइड बाई ए बी माइनस होल स्क्वायर
टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक. क्या करेंगे, जब मुझे सेंटर पॉइंट फाइंड करना हो, इसको मान लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई. सपोज दैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इट शुड बिकम द फंक्शन ऑफ एक्स वाई. एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. फंक्शन ऑफ एक्स वाई वी हैव टू फाइंड डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी. कैसे, इस इक्वेशन को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है एक्स के रिस्पेक्ट में. जब एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. तो क्या मिलेगा, एक्स टर्म में करेंगे टू ए एक्स प्लस जीरो प्लस टू एच वाई प्लस टू जी प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल दैट बिकम डेल एफ पान डेल एक्स इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ, टू कॉमन निकाल लिया मैंने, टू टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी ब्रैकेट क्लोज. सिमिलरली इसी इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली. ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई है इसी को हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट बिकम जो भी यहाँ पे एक्स वाई होगा वो डिफरेंशिएट होंगे, बाकी जहाँ पे वाई नहीं होगा वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे, वो कांस्टेंट टर्म में चेंज आएंगे. तब क्या मिलेगा हमको, ए एक्स स्क्वायर बिकम जीरो, यहाँ मिलेगा टू बी वाई स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर है तो हो जाएगा टू बी वाई, टू बी वाई, ये मिलेगा टू एच एक्स क्योंकि वाई की वैल्यू वन हो जाएगी डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एच एक्स प्लस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये टू एफ वाई इज इक्वल टू वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट टू टाइम्स ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ब्रैकेट क्लोज. अब आगे आते हैं, फॉर द सेंटर ऑफ कोनिक एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इज ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरा एच एक्स प्लस बी प्लस इज इक्वल टू जीरो. जो इक्वेशन में डिफरेंशिएट करेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेंगे, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो. क्या मतलब, जो इक्वेशन आपका दिया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस यू स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस प्लस सी इज इक्वल जीरो है, उसको डिफरेंशिएट किया आपने अपने रिस्पेक्ट में, फिर उसे आपने वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया पार्शियली, फिर उसको इक्वल टू जीरो कोएफिशिएंट की रिजल्ट को जीरो कर दिया आपने, तो क्या मिला डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो दैट वी गेट. तो हमें क्या मिला फिर, तो क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, तो आपको मिल गया. अब आगे आते हैं, इसके आगे एग्जाम्पल में आते हैं. अभी तक मैंने आपको बताया कंसेप्ट के बारे में, अब उसी पे क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इज इक्वल टू जीरो. हमें इसका क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कोनिक. तो क्या करेंगे, हम सोल्यूशन ले लिया, ये जो आपका इक्वेशन था हमने सपोज किया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इज इक्वल टू जीरो. फिर मैंने क्या किया, क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी फंक्शन को एक बार x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू जीरो कर देंगे. तो मैंने क्या देखा, ये जो इक्वेशन मैंने लिया इसको मैंने एक बार एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, फिर वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया. आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 28x माइनस 4y माइनस 44 इज इक्वल टू जीरो. एंड सिमिलरली उसी फंक्शन को हमने y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 22y माइनस 8 माइनस 58 इज इक्वल टू जीरो. सॉल्विंग दीज, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, x मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे तो क्या सॉल्व दीज टू x अपॉन माइनस 150 इज इक्वल टू y अपॉन
माइनस 225 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 75। सॉल्व कैसे करेंगे, ये किसी में से कोई दो टर्म लेंगे, इनमें कोई दो टर्म लेंगे, x मिल जाएगा, फिर ये y मिल जाएगा। जैसे हमने इसको निकालना है x वैल्यू, इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म लेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन 1 माइनस 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25। साइड चेंज करेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 75 का 2 है 150, तो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इन दोनों टर्म को लेंगे, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म लेंगे, ये दोनों निगेटिव है, ये पॉजिटिव कर देंगे, ये साइड के लिए साइड चेंज कर देगा, 75 3 जा 225, देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू 3। ठीक, द क्वाड्रेटिक गैप क्या मिला हमें, उस इक्वेशन का जो सेंटर मिलेगा, x वैल्यू 2 मिलेगी, y की वैल्यू 3 मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कॉनिक 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक विच हैज द सेम एसिम्प्टोट एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 22। इस क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं, लीजिए सॉल्यूशन, सिंस द इक्वेशन ऑफ दिस एसिम्प्टोट डिफर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक ओनली बाय कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ था आपका, ये इक्वेशन था वो कांस्टेंट, ये क्या है रिप्रेजेंट करता है कॉनिक को, तो दैट मींस 3x स्क्वायर देयरफॉर लेट द इक्वेशन ऑफ दिस एसिम्प्टोट बी, एसिम्प्टोट का जो कांस्टेंट टर्म था वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1 वेयर लैम्डा कैन बी कांस्टेंट टर्म, इक्वेशन 1 शुड बी रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो पहला इक्वेशन है रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन, किस कंडीशन में, ए बी सी प्लस 2fgs माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या ये कह सकते हैं जो इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को, कंपेयर करने के बाद हमको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, ई एफ जी एस की वैल्यू मिलेगी, उसको यहाँ पे रखेंगे, अगर हमें उसकी वैल्यू 0 मिलती है तब क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक, आगे देखिए, तो उस तरह से हमने रख दिया उसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की जो है लैम्डा है, उस तरह से टू एफ वैल्यू, जी की वैल्यू, सी टू एफ जी एस, टू एफ जी एच माइनस ई एफ स्क्वायर, ये मिला माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी लैम्डा सी स्क्वायर, वो मिल गया आपको इज इक्वल टू 0। आपको सभी जो पीछे कंडीशन दिया हुआ था आपका, ये कंडीशन आपका था ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस सी एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमने रखा उसमें आगे, तो क्या मिला हमको ए ए बी सी, फिर सेम टू एफ जी एच ये मिला, फिर ये मिला आपको, फिर जब ये हमें लैम्डा के फॉर्म मिल गए, लैम्डा फॉर्म मिलने गए तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको लैम्डा की वैल्यू 2 मिली। द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट इज 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या मिल गया एसिम्प्टोट। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2, नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक हैविंग 2 पेयर ऑफ एसिम्प्टोट, नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक हैविंग 2 फाइंड एसिम्प्टोट्स बी ax स्क्वायर माइनस 2hxy माइनस fy स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y प्लस 2 प्लस u, इसमें कांस्टेंट ऐड कर दिए इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3 वेयर म्यू इज ए कांस्टेंट टर्म इज टू बी डिटरमाइंड बाय द फैक्ट दैट इक्वेशन 3 कॉनिक 3 इज टू पास थ्रू द पॉइंट 222, हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है किस पॉइंट पर, इक्वेशन नंबर 3 का ये सपोज करना है पास थ्रू द पॉइंट 222, यानी एक्स वैल्यू 2 वाई वैल्यू 2। ठीक है, तो जहां पे आपका 3 सबने आपने एक्स जहां पे मिला आपको एक्स वाई आप रख दिया, ये फिर जी रख दिया, रखने के बाद 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 9 इंटू प्लस 2 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट म्यू इज इक्वल टू 18, पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 3 प्रीवियस पेज में, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y प्लस 20,
ये हमें क्या मिल गया, वैल्यू लेमडा की, म्यू की वैल्यू मिल गई। आज हमने यूनिट टू का टेस्टिंग ऑफ क्वेरीज मैंने पढ़ा, उसके मैंने कॉन्सेप्ट बताए, टेस्टिंग ऑफ क्वेरीज जितने पॉइंट होते हैं तो उसमें संभावना बनती है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, और उस पर मैंने क्वेश्चन बताए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।